हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं कंडक्ट करूंगा मॉक टेस्ट नंबर 2 CGL एग्ज़ाम के लिए, CGL 2020 के लिए। एंड एट द सेम टाइम ये SSC के सभी एग्ज़ाम्स के लिए हाईली यूजफुल रहेगा, जैसे CGL, CPO, स्टेनो, CHSL और MTS एग्ज़ाम के लिए। ये सारे मॉक टेस्ट मैं एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहा हूँ, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से इन सारे मॉक टेस्ट को आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में देख सकते हैं। हिंदी के लिए अलग प्लेलिस्ट है और इंग्लिश सेक्शन के लिए अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इन मॉक टेस्ट को आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मॉक टेस्ट की। CGL के लिए मेरी पेड क्लासेस भी चल रही हैं, इनको आप examini.in इस वेबसाइट पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर इस idiom का आपको मीनिंग बताना है। बी ऑन वंस नी, अपने घुटनों पर होना। अपने घुटनों पर होना, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम मंदिर जाते हैं, प्रेयर करते हैं, अपने घुटनों पर बैठ के कोई चीज़ मांगते हैं भगवान से, उसी को हम बोलते हैं बी ऑन वंस नीज, इन ए पोजिशन ऑफ सप्लीकेशन। ठीक है, सप्लीकेशन भी रिक्वेस्ट ही होता है, तो फर्स्ट इसमें आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, ये PQRS के क्वेश्चन है और आपके CGL प्री में सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, यहां पर एन इंजीनियर बिल्डिंग अ ब्रिज, ये पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट है। यहां पर एक ऐसे इंजीनियर की बात कर रहे हैं जो ब्रिज को बना रहा है, एन इंजीनियर बिल्डिंग अ ब्रिज, यानी ये पूरा सब्जेक्ट है। तो यहां पर आपको वर्ब चाहिए, और वर्ब कैसी चाहिए, वर्ब ऐसी चाहिए जो इंजीनियर के साथ जुड़ी हो, यानी सिंगुलर वर्ब आपको चाहिए, और सिंगुलर वर्ब इसमें केवल इसमें है पिक्स। ठीक है, तो यहां से ये सेंटेंस आपका शुरू होगा लॉजिकली। एन इंजीनियर बिल्डिंग अ ब्रिज पिक्स द बेस्ट प्लान एंड नॉट द वन दैट मोटरिस्ट फाइंड इजी टू कॉम्प्रीहेंड। मतलब इंजीनियर ऐसा प्लान, एक बेस्ट प्लान चूज करते हैं, वो ऐसा प्लान चूज नहीं करते जो मोटरिस्ट को बहुत अच्छा लगता है या समझ में आता है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका प्रॉपर सीक्वेंस, QRP आपका प्रॉपर सीक्वेंस बन जाएगा, QRP। ठीक है, तो इनको ये लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होता है PQRS, इनको आपको लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करके आपको करना होता है। अब देखिए, ये स्पॉटिंग का एक सेंटेंस है, और राजू अलोंग विद हिज फैमिली गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। देखिए, जब दो सब्जेक्ट अलोंग विद से जुड़े रहते हैं, जैसे अलोंग विद इसमें दिया है और यहां पर एक सब्जेक्ट है राजू और एक सब्जेक्ट है हिज फैमिली, तो इसमें जो सब्जेक्ट माना जाता है, जो रियल सब्जेक्ट माना जाता है, वो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट माना जाता है, यानी राजू यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट है, और राजू चूंकि यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए ये सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लेगा, तो ये तो इसमें सही है। लेकिन यहाँ पर मॉर्निंग वॉक, वॉक यहाँ पर एक्चुअली एक नाउन है, मॉर्निंग वॉक यहाँ पर एक नाउन है, मॉर्निंग एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव और नाउन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है काउंटेबल। तो यहां पर आपको लगाना होगा ए मॉर्निंग वॉक, यानी बी पार्ट में इसमें आपकी गलती है, बी इसका आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन है द डायरेक्टर आइडियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी आर ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन का आपको मीनिंग बताना है। मूनशाइन का मतलब होता है कोई भी चीज जो नॉनसेंस है, इम्प्रैक्टिकल है, जो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है, उसको हम बोलते हैं मूनशाइन। तो नॉनसेंस यहां पर इसका सही आंसर आपका होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इसमें राइथ, इसका क्या मतलब होगा, राइथ का क्या सिनोनिम होगा, राइथ का यहां पर सही सिनोनिम होगा, राइथ का मतलब होता है ट्विस्ट करना, और स्क्वर्म का मतलब भी ट्विस्ट करना होता है, तो राइथ का सिनोनिम होगा यहां पर स्क्वर्म। और बाकी के जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इन वर्ड्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। डेनीग्रेट का मतलब होता है डिमिनिश, और लिंगर का मतलब होता है स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम। चलिए आगे देखते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है किसी व्यक्ति को डांटना, और यहाँ पर इसका एंटोनिम पूछा गया है। कॉम्प्लीमेंट इसका एंटोनिम होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की तारीफ करना या प्रशंसा करना, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑफ ए रैकेट शिप और कार्गो, एक जहाज जो जो डूब चुका है, बर्बाद हो चुका है, टूट फूट चुका है, उसको बचाना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए सही आंसर क्या है, उसका सही आंसर है सेल्वेज, सेल्वेज उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और बाकी के वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन आप नीचे देख सकते हैं। फोर फीट का मतलब जमानत, किसी चीज़ को जब्त करना।
यॉट मतलब नाव, श्रेड होता है किसी भी चीज की छोटी सी छोटा सा टुकड़ा या कतरन जिसको हम बोलते हैं कागज का। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंस है, इनको बहुत आसानी से आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। देखिए द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक, ये हो गया सब्जेक्ट, स्टार्टलेट हो गया वर्ब और मी हो गया ऑब्जेक्ट। यानी इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो मी से बनेगा और मी जब इस तरफ जाएगा तो आई इसमें आ जाएगा, और चूंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए आई के साथ हम लगाएंगे इसमें वॉज। आई वॉज केवल एक ही सेंटेंस में इसमें दिया है इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। ये रियल सेंटेंसेस हैं, सेम इसी तरीके के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे अपनी रियल एग्जाम में। यहां से देखिए टू बिगिन विथ, टू बिगिन विथ के बाद नॉर्मली हम एक आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, हम एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टू बिगिन विथ, तो यहां पर देखिए इससे तो स्टार्ट होगा नहीं, बट से स्टार्ट होगा नहीं, यहीं से स्टार्ट हो सकता है। द प्रॉब्लम विद इंडियन सिटीज इज नॉट, यानी ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकेंड। क्यू पी, क्यू पी का एक सीक्वेंस इसमें बनेगा, क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा। ये देखिए ये भी एक पीक्यूएस का सेंटेंस है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो कोई भी पैराग्राफ जब हम स्टार्ट करते हैं तो नाउन से स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करते हम। ठीक है, ये प्रोनाउन है इससे हम नहीं लेंगे, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, यहाँ से हम ले सकते हैं इसको, यहाँ पर भी ये प्रोनाउन है, नाउन से स्टार्ट करेंगे तो ये हो गया आपका फर्स्ट। एंथनी वॉज एक्टिंग ऑडली इवन फॉर ए रॉबर, ही एंटर अ बैंक इन पेंसिल्वेनिया। एक एंथनी नाम का एक व्यक्ति है, वो बैंक में घुसता है और बैंक में घुसने के बाद वो क्या करेगा, अपनी गन निकालेगा और पैसा मांगेगा। ठीक है, तो इसके बाद यदि आप लॉजिकली देखें तो आर के बाद क्यू ही आ सकता है। ठीक है, और यानी ये हो जाएगा आपका सेकंड और ये हो जाएगा आपका थर्ड, ये हो जाएगा फोर। इट वर्क्ड, मतलब बाद में उसका जो प्लान था वो काम किया। ठीक है, तो ये एंड में ही आ सकता है, यानी क्यू आर एस पी, सॉरी आर क्यू, आर क्यू एस पी, यानी इसका आंसर होगा फर्स्ट, आर क्यू एस पी। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू, चूंकि कंपनी को हैवी लॉस हुआ था इसलिए कंपनी ने शेयर होल्डर से बोला कि वो थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो इसको हम बोलते हैं बेयर विद, बेयर के साथ यहां पर हम लगाते हैं विद, बेयर विद। फ्लैग्रेंट का सिनोनिम क्या होगा, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है खुले आम किसी काम को करना, खुल्लम खुल्ला किसी काम को करना, इसको हम बोलते हैं ब्लेटेंट। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड और है, वो है ग्लेरिंग, इसको हम ऑब्ट्रूसिव, ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है नोटिसेबल या ऑब्वियस, लेकिन ग्लेरिंग यहां पर आपका सही आंसर होगा। इसमें क्या आंसर होगा, द गवर्नमेंट जुडिशियसली, द गवर्नमेंट एक्टेड जुडिशियसली टू स्टेप द क्राइसिस, क्राइसिस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जुडिशियसली काम किया, तो रोकने को हम बोलते हैं स्टेप ऑफ, स्टेप ऑफ, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी, दैट इज स्टेप ऑफ, इसको फेंड ऑफ भी बोलते हैं हम, फेंड ऑफ। पैराशूट की सही स्पेलिंग क्या होगी, पैराशूट की सही स्पेलिंग होगी ये सी एच इसमें आता है, इसमें एस एच नहीं आता, सही स्पेलिंग होगी पी ए आर ए सी एच यू टी ई। अ प्लेस वेयर ज्यूस वर्क्स वर्शिप अकॉर्डिंग टू दियर रिलीजन, ज्यूस लोग जहाँ पर काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए डेमागॉग एक ऐसे लीडर को बोलते हैं जो अपने अपने बात करने से लोगों को लुभा सकता है, इमोशंस के साथ ये खेलता है लोगों को, इसको हम बोलते हैं डेमागॉग। चैपल भी एक पूजा घर ही होता है, ये क्रिश्चियन का होता है, छोटा सा घर होता है। कैथेड्रल, कैथेड्रल एक गिरजाघर होता है, बड़ा चर्च होता है। सिनेगॉग यहाँ पर सही आंसर होगा आपका, सिनेगॉग। ठीक है, फैचुअस का एंटोनिम क्या होगा, फैचुअस का मतलब होता है जो सेंसलेस है, और जो सेंसिबल है वो इसका एंटोनिम यहाँ पर होगा। क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, इनेन का भी सेंसलेस होता है, इनेन। ये है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन। देखिए हैव यू सीन माई स्पेक्टिकल, सैम आस्क्ड हिज मदर, तो मदर ने सैम से पूछा कि क्या तुमने मेरे स्पेक्टिकल्स देखे हैं। ठीक है, आस्क्ड चूंकि पास्ट में है इसलिए इस हैव का हेड हो जाएगा और आस्ट आएगा इसमें, और चूंकि ये यस नो क्वेश्चन है
इसलिए इसमें हम इफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इफ इसमें यहाँ पर दिया है और हेड भी इसमें यहाँ पर दिया है, इफ इसमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका सेकंड, ये इसका सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट 19 देखते हैं, शॉफर की सही स्पेलिंग क्या होगी। शॉफर एक प्राइवेट कार का ड्राइवर होता है, शॉफर की सही स्पेलिंग होगी CHAUFFEUR। आगे हम देखते हैं टेनेसस, इसका एंटोनिम क्या होगा। टेनेसस मतलब जो काफी मजबूत है, फर्म है, परसिस्टेंट है, लगातार काम करना जानता है, इसका होगा इररिजोल्यूट। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, ये CGL प्री के लिए मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, CGL टीयर टू के लिए मैं अलग से मॉक टेस्ट कंडक्ट करूंगा। ये मॉक टेस्ट कैसे आपको लग रहे हैं, इसका इनका कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है, और ये इसको आप जरूर जरूर आप बताएं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, और इसको लाइक जरूर करें यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, और शेयर जरूर करें आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक ये वीडियो क्लास पहुँचे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपके लिए बना पाऊँ CGL प्री के लिए, और उसके बाद फिर डेफिनेटली टीयर टू के लिए भी बनाऊँगा। और SSC के किसी भी एग्जाम में CGL में या CPO में यदि आप 90% तक स्कोर करना चाहते हैं टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री में, तो आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं examini.in पर। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।